नमस्कार दोस्तों, बाइसेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि जब ये ब्लू एरो जब रिपेंट होता है, जब बाद में आता है, तब क्या करना है। रिपेंट मतलब सभी के अंदर ऐसा नहीं होता है, कोई 20% सिग्नल के अंदर वो बाद में भी आ सकता है, तब क्या करना है। सब लोग बोलते हैं कि ये रिपेंट हो गया तो हम क्या करें, तो आज हम उसके लिए बताएंगे कि इसको मैं लाइव करता हूँ। देखिए अब क्या हो रहा है, ये लाइव जैसे चलता है वैसे ये किया, ये बाई सिग्नल आ गया। इसको पहले कन्फर्मेशन बोला जाता है। मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ कि ब्लू एरो है वो पहले से ही आ गया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको तो यहाँ ट्रेड कर देना है। देखिए आपकी दूसरे कैंडल का ओपनिंग से आपका ट्रेड होगा। अब हम आगे चेक करते हैं। मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा सिग्नल को। देखिए चल रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है, करीब हम सेम टू कोस्ट चल रहा है मार्केट। ये डाबर का चार्ट लगा हुआ है, ये पहले कन्फर्मेशन आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आफ्टर कन्फर्मेशन मिलता है तब हम क्या करें। मैं उसके लिए इसका स्पेशली वीडियो बनाना सभी का रिक्वायरमेंट था, तो मैं स्पेशली इसका वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, करीब हम टारगेट भी अचीव हो गया। ये देखिए और ऊपर गया, और ऊपर गया, और ऊपर गया। अब एक मार्केट ख़त्म हो गया, 3:30 बज गए। अब नेक्स्ट डे हम चेक करते हैं, थोड़ा मार्केट देखिए डाउन, गैप डाउन में खुल रहा है। अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको ऊपर से ही एग्जिट कर देना है, अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो कंटिन्यू सिग्नल रहेगा। सीट नंबर 2 को वेरीफिकेशन करते हैं, तो सीट नंबर 2 से भी ये वेरीफाई हो गया था, मतलब कि डबल वेरीफाई सिग्नल था। अब देखिए सेल सिग्नल आ गया, सेल सिग्नल आया है पर कोई डाउन साइड ट्रेंगल नहीं आया है। अब हम फिर से हम प्ले करते हैं इसको। ये देखिए चलने लगा मार्केट, थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ। ये देखिए इसको बोलते हैं आफ्टर कन्फर्मेशन। अब क्या करेंगे, इंट्राडे ट्रेडर है उसका पोजीशन एग्जिट यहाँ तो हो ही जाएगा, इस सेल पर होगा। अब ये जो ट्रेंगल है वो बाद में आया है, मैं थोड़ा आपको रिवर्स करके दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ मार्केट चल रहा था, समथिंग कोस्ट टू कोस्ट ही है। आपको यहाँ सेल पर आपको एग्जिट होना है। अब जब ट्रेंगल बनता है, इस कैंडल से उसने ट्रेंगल दिया, तो मतलब कि आपको उसकी नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड करना है, वो भी ध्यान में रखिएगा। उसकी नेक्स्ट कैंडल बन गई, अब यहाँ आपका ट्रेड बनेगा, अब आपका यहाँ ट्रेड बनेगा, पर इसको आफ्टर कन्फर्मेशन बोला जाता है। जब सॉफ्टवेयर को यहाँ पता नहीं था कि ये सिग्नल है वो परफेक्ट ट्रेड है, पर यहाँ समथिंग मार्केट यहाँ पहुँचा, तब सॉफ्टवेयर को पता लगा, उसको मालूम हुआ कि भाई ये सिग्नल तो ट्रेड करने लायक है, तो आपको यहाँ ट्रेंगल डाला और यहाँ से आपको ट्रेड करना है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए आया और नीचे आया, देखिए सेल सिग्नल काफ़ी नीचे गिर गया, देख लीजिए। तो इसको बोलते हैं आफ्टर कन्फर्मेशन। सभी लोग बोलते हैं रिपेंट होता है, तो इस प्रकार आफ्टर कन्फर्मेशन आपको मिल सकता है, तो आपको आफ्टर ट्रेडिंग करना है। साथ में वो भी वेरिफिकेशन कर लीजिए, सीट नंबर 2 में ये वाइट कलर की लाइन को क्रॉस कर चुका है, हाँ ऑलरेडी कर चुका है, मतलब कि सिग्नल डबल वेरिफिकेशन है। और भी कुछ दिखाना चाहूँगा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अब यहाँ देखिए ये हमारा बाई सिग्नल है जो कि कंफर्म है, क्योंकि बाई के पहले अपर साइड एरो लगा है, मार्केट चलने लगा। ये जो सेल है वो अनकंफर्म ट्रेड है, क्योंकि सेल के पहले आपका डाउन साइड एरो नहीं मिला था। अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो आपको यहाँ से एग्जिट होगा, ये जब डाउन साइड एरो आया तब। अब देखिए तो यहाँ दो अपर साइड ट्रेंगल बना है। आज हम नेगेटिव ही बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, जो नेगेटिव पॉइंट है क्या आपको करना है, उस नेगेटिव होता है तब। तो अब यहाँ अपर साइड दो ट्रेंगल लगे हैं, ध्यान से गौर से देखिएगा। यहाँ उसने अब मार्केट में स्टार्ट करता हूँ, देखिए ये यहाँ अपर ट्रेंगल है, पर थोड़ा मार्केट नीचे आया तब उसने डाउन कर दिया, देख लीजिएगा। तो जब सेल आएगा
तो वो बहुत नीचे जाएगा। अब यहाँ तो आपकी पोजीशन कोई है ही नहीं, मैं फिर से उसको रिवाइड करना चाहूँगा। ये देखिए ट्रायंगल ऊपर की साइड है पर मार्केट नीचे आया, आपकी कोई यहाँ पोजीशन नहीं है, वो भी घोर रखिएगा। यहाँ बाई है, यहाँ एग्जिट हो गया। अगर इंट्राडे ट्रेडर के लिए लॉस होगा, पोजिशनल ट्रेडर के लिए कोई लॉस नहीं है। और कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बना है कि आपको लॉस पूरा आपको प्रॉफिट ही दे, तदातर ऊपर ऊपर प्रॉफिट दे, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं है आज तक मार्केट के अंदर। अगर कोई ऐसा बंदा बोलता है कि आपको मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिटेबल ही सिग्नल दूंगा, तो ऐसा नहीं है, कभी नहीं बनेगा ऐसा। तो यहाँ आपका अगर सेल बाय किया है तो यहाँ आपकी पोजीशन एग्जिट हो गई है, अभी आपकी कोई पोजीशन नहीं है। सॉफ्टवेयर को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ भी इसलिए ऊपर उस ऊपर की तरफ फेरो दिया, यहाँ भी ऊपर की तरफ फेरो दिया। अब मैं फिर से उसको प्ले करना चाहूँगा, पर उसकी नेक्स्ट कैंडल से ये जो अपर की साइड ट्रायंगल बना है उसको डाउन कर दिया। देखिए दिख रहा है आपको, साफ साफ मैं दिखा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए सेल आ गया, अब ये डबल कन्फर्मेशन के साथ सेल बना, आपका सेलिंग यहाँ से बनेगा। तो एक कोई रिपेंट मतलब कि कन्फर्मेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर ऐसा डाउन कर सकता है ये ट्रायंगल को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमें ट्रेड करना है, सीट नंबर टू से भी इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब जो सिग्नल ट्रायंगल आएंगे वो टाइम टू टाइम बनाएगा। देखिए यहाँ डाउन साइड ट्रायंगल दिया, बोला कि और नीचे जाएगा, होल्ड करिएगा। मैं चार्ट को थोड़ा रिवाइंड करना चाहूँगा। ये देखिए फिर से उसने एक डाउन साइड ट्रायंगल डाला, मतलब कि फिर से बोला कि और नीचे जाएगा, होल्ड करिए। ये देखिए दूसरे दिन मार्केट गैपिंग गैप डाउन ओपन हुआ और डायरेक्टली नीचे गिरा। सॉफ्टवेयर ने फिर से बोला और नीचे जाएगा, होल्ड करिए। मार्केट और नीचे जाकर जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 24 सितंबर का ये वीडियो है, 24-25 सितंबर। यहाँ फिर से उसने बोला और नीचे जाएगा। देखिए सभी कुछ टाइम टू टाइम ही हो रहा है। देखिए मैं थोड़े से रिवाइंड करना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा। देखिए तो ऐसे जब ये ट्रायंगल आपको ऐसे अप से डाउन हो जाए तब आपको मानना है मार्केट बहुत नीचे जाएगा, या आफ्टर भी कन्फर्मेशन आए तब भी आपको ट्रेड करना है और सीट नंबर टू से भी वेरिफिकेशन ले लेना है। ये सीट नंबर टू से ये वाइट कलर की जो लाइन बनी है वो आपको क्रॉस नीचे की तरफ हो जाए तब आपको सेल डबल वेरिफिकेशन हो जाता है और वो नीचे जाएगा। और सभी के अंदर सभी सिग्नल के अंदर प्रॉफिट ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई सिग्नल ऐसे भी निकल सकते हैं इंट्राडे के अंदर। तो आपको जो नेक्स्ट सिग्नल बनेगा वो सॉफ्टवेयर गलती करेगा पर हम गलती नहीं करेंगे। अगर यहाँ उसने लॉस करवाया है तो यहाँ हम डबल क्वांटिटी के अंदर काम करेंगे। अगर ये भी सिग्नल के अंदर शायद लॉस हो गया तो उसके अगले सिग्नल के अंदर हम उनसे भी डबल क्वांटिटी के अंदर काम करेंगे। ये डेफिनेटली आपको प्रॉफिट की तरफ ही जाना पड़ेगा, कोई भी स्क्रिप्ट हो आपको प्रॉफिट ही होगा। ये स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे, जब भी लॉस होगा तब आपको उसके नेक्स्ट सिग्नल के अंदर डबल क्वांटिटी के अंदर काम करना है जो यहाँ करना है। पर ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं, यहाँ लॉस हो गया अब ये सेल में काम नहीं कर देते। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो स्पेशली न्यू व्यूअर न्यू ट्रेडर के लिए है, जो मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाया है। और उसके अंदर आपको जो नेक्स्ट सिग्नल जब भी लॉस होगा तब आप उसको नेक्स्ट सिग्नल के अंदर डबल क्वांटिटी में काम करना चाहेगा। ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप चाहे तो अपना ओपिनियन अपने आप रख सकते हैं। हमारे कोई प्रॉफिट या लॉस से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी हमारी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर आपको ट्रेड करना है तो स्ट्रिक्टली फ्लो करना है, जब भी लॉस होगा तब हम उसके नेक्स्ट सिग्नल के अंदर डबल क्वांटिटी के अंदर काम करना है। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो ही आप इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक काम करिए, वरना इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप काम मत करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद। अगले वीडियो में हम लाइव करेंगे सॉफ्टवेयर को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।